हाय फ्रेंड, आज आपका हमारे इस नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास फ्रेंड स्वेलेट कंपनी की टवेरा गाड़ी आई हुई है। इसमें फ्रेंड स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, तो हम आपको बताते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये इसका चाबी की है। ठीक है, ये हम चाबी स्विच में लगा रहे हैं, देख सकते हैं। ये देखिए मीटर में सारी लाइटें आ रही है। जब हम फ्रेंड ये चाबी को स्टार्ट पोजीशन पे लेते हैं तो देखिए किसी प्रकार का कोई भी लाइट नहीं आता है, और फ्रेंड गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, सेल्फ नहीं ले रहा है। तो फ्रेंड हम इसे चेक करेंगे। सबसे पहले तो इसका स्टार्टर का जो बच्चा स्विच का वायर आता है उसे चेक करेंगे कि उसमें करंट जा रहा है कि नहीं हमारे सेल्फ मारने से। तो फ्रेंड हम सबसे पहले तो बच्चा स्विच का वायर चेक करते हैं, क्योंकि हमें जहाँ तक लगता है इसका स्टार्टर का प्रॉब्लम है। तो फाइनली फ्रेंड हम आपको दिखाते हैं, इसका लेफ्ट साइड में इसका स्टार्टर आता है। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये इसका स्टार्टर है और ये इसका बच्चा स्विच है। ये देखिए ये इसका बच्चा स्विच है। तो इसे बच्चा स्विच में जो छोटा सा वायर है उसमें हम टेस्टर से चेक करेंगे कि हमारे सेल्फ मारने पे करंट आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा जी, ज़रा ज़रा वायर लगाइए। तो फ्रेंड अब हम सेल्फ मारते हैं, सेल्फ मार के चेक करते हैं कि ये हमारा जो बच्चा स्विच का जो वायर है सॉकेट उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फाइनली फ्रेंड हमने आपको ये दिखा दिया है कि इसके बच्चा स्विच में करंट आ रहा है। इसका मतलब फ्रेंड इसका जो स्टार्टर का बच्चा स्विच आता है उसमें प्रॉब्लम है। तो हम इसका स्टार्टर ओपन करेंगे, बाहर निकालेंगे इंजन में से, और उसे बाहर निकाल कर चेक करेंगे कि उसके बच्चे स्विच में क्या प्रॉब्लम है। तो हम अब इसका स्टार्टर ओपन करना चालू करते हैं और हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, फाइनली हमने इसका स्टार्टर बाहर ले लिया है। इसको हम डायरेक्ट बैटरी से भी लगा के चेक कर रहे हैं बच्चा स्विच में। देखिए कुछ काम नहीं कर रहा है, सिर्फ स्पार्क हो रहा है। तो इसका बच्चा स्विच का प्रॉब्लम है, तो इसको हम छुट्टा करके चेक करेंगे। अगर बच्चा स्विच का प्रॉब्लम रहेगा तो इसको रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद आपको फिर से ऐसा डायरेक्ट चेक करके हम आपको दिखाएंगे। तो मोबाइल हिलाता है, देख सकते हैं ये इसका स्टार्टर है और ये इसका बच्चा स्विच है, इसमें प्रॉब्लम फ्रेंड। तो हम इसे रिप्लेस करके और उसके बाद इसके अंदर का कार्बन भी चेक करेंगे। अगर कार्बन गया है तो कार्बन रिप्लेस करेंगे, नहीं तो बच्चा स्विच रिप्लेस करेंगे। और उसके बाद इसको आपको डायरेक्ट पहले बाहर निकल के हम चेक करेंगे, अगर ओके रहेगा तो गाड़ी में फिट करके फिर आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। ये इसके दोनों बोल्ट है फ्रेंड, देख सकते हैं 17 नंबर के नट बोल्ट जो इसमें फिट थे। जैसा कि फ्रेंड कल हमने आपको इस वीडियो में बताया था कि हम इसका स्टार्टर ओपन किए हैं, तो हम इसका दिखाते हैं फ्रेंड। ये इसका जूना स्टार्टर है फ्रेंड, और ये इसका नया स्टार्टर है जो हमने अरेंज किया है। तो फ्रेंड क्या हुआ था, हमने इसका जूना स्टार्टर ओपन किया था तो इसके बहुत सारे पार्ट्स गए थे। तो जितने पार्ट्स गए थे फ्रेंड, उतना हमने जब स्पेयर पार्ट में कॉल करके पता किया तो उतने रेंज में हमें इसका नया स्टार्टर मिल रहा था। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके बदले में हमने डायरेक्ट नया स्टार्टर इसका डाल रहे हैं हम। क्योंकि फ्रेंड क्या होता है, जितना हम इसका बच्चा स्विच डालेंगे, बेंडेक्स डालेंगे, कार्बन डालेंगे, आर्मेचर डालेंगे, वो सब डालने से अच्छा हमने इसका पूरा बॉडी हमको नया मिल जाएगा वही पार्ट्स में और वही रेट में। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसका स्टार्टर नया हमने अरेंज किया है। तो अभी से हम गाड़ी में फिट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो सेल्फ का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसे गाड़ी में फिट करते हैं और उसके बाद आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं कि हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। ये फ्रेंड स्वेलर टवेरा की स्टार्टर है। अंसारी जी इसे फिटिंग करना चालू कीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड, ये इसका हमने स्टार्टर ओपन किया है। ठीक है फ्रेंड, ये स्टार्टर हमने ओपन किया है, अभी आपको फिट करके दिखाएंगे स्टार्टर।
तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, हम इसे एक बार फिलहाल पहले, क्योंकि नया स्टार्टर है, कभी कभी कंप्लेन भी आता है, तो इसके लिए इसे हम बाहर ही चेक कर लेंगे डायरेक्ट करके, कि ऐसा ना हो कि अंदर फिट करने के बाद स्टार्टर ना काम करता हो। तो इसके लिए हम आपको बाहर ही डायरेक्ट चेक करने का सिस्टम बताएंगे इसमें। तो देख सकते हैं, हमने पहले दो वायर बैटरी में लगाया, प्लस माइनस में, और एक बॉडी अर्थ दिया है और एक मेन में दिया है। देख सकते हैं, 12 नंबर का जो स्विच आता है, इसमें डायरेक्ट आप मेन हमने यहाँ लगाया है। तो ये मेन में से, ये जो आपको दिख रहा है स्विच, इसमें हम कुछ भी एक चीज़ से ऐसा कनेक्ट करेंगे। आप इसको डाउ से कीजिए या कोई पाने से कीजिए, किससे भी आप डायरेक्ट इससे कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, ये देख सकते हैं, हम इसे डायरेक्ट चेक कर रहे हैं। ये स्टार्टर हमारा ओके है, ये देखिए बेंडेक्स बाहर आ रहा है, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड, ये स्टार्टर हमारा ओके है। अब इस स्टार्टर को हम गाड़ी में फिट करेंगे। आपको हमने डायरेक्ट चेक करने का तरीका बता दिया है, तो इस तरह आप बाहर कभी भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि क्या रहता है, कंपनी का कभी कभी आ जाता है कोई फॉल्ट स्टार्टर में। इसके लिए हमने इसे बाहर चेक कर लिया है, बिंदास हम इसे गाड़ी में फिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, फाइनली हम इसका स्टार्टर फिट करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके दोनों नट बोल्ट लीजिए, इसमें फ्रेंड दो 17 नंबर के नट बोल्ट आते हैं, ये देख सकते हैं। ऊपर का होल आपको जो दिख रहा है, इसमें एक नट बोल्ट लगेगा, नीचे वाले में एक लगेगा। तो हम आपको नट बोल्ट फिट करके दिखाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, ये नीचे के एक नट बोल्ट लगा रहे हैं हम, इसी प्रकार ऊपर का भी नट बोल्ट लगाएंगे। टाइट कीजिए पीछे से बॉक्स मैनर रैचेट से। देख सकते हैं फ्रेंड, हमने एक साइड से नट को 17 के रिंग पाने से पकड़ के रखा है, और अंसारी जी हमारे नीचे से बॉक्स मैनर रैचेट लगा के टाइट कर रहे हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, अब हम नीचे का राउंडिंग स्टार्टर का एक बोल्ट टाइट कर रहे हैं, ऊपर का हमने टाइट कर दिया है। हमारा स्टार्टर भी पूरी तरह से एकदम चिपक चुका है। देख सकते हैं फ्रेंड, सबसे पहले तो हम जो 8 नंबर का जो वायर है, 8 नंबर के नट में जो वायर लगा है, सबसे पहले वो छोटा वाला वायर टाइट करेंगे, फिर उसके बाद वो बड़ा वाला मेन वायर टाइट करेंगे। ये हमने 8 नंबर का जो नट है वो टाइट कर दिया है। अब हम मेन वाला वायर लगाएंगे, जो बैटरी से डायरेक्ट स्टार्टर के लिए जाता है। तो देख सकते हैं, अब हमें मेन वायर लगा रहे हैं।
अब इस नट को हम टाइट करेंगे। ये 14 नंबर का नट है फ्रेंड, आप ब्लैक पेटी के बॉक्स में से इसको टाइट कर सकते हैं इजीली। ठीक है फ्रेंड, ये दोनों वायर जो मेन वायर दोनों छोटे बड़े जो बच्चा स्विच में लगते हैं वो हमने प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया है। इसका दोनों स्टार्टर का बोल्ट भी फिट कर दिया है। अब इसका हम बैटरी वायर लगाएंगे क्योंकि हमने इसका बैटरी वायर ओपन किया था। कभी भी फ्रेंड इसका स्टार्टर आप ओपन करेंगे, अल्टरनेटर ओपन करेंगे, तो इसका बैटरी वायर ओपन कर दीजिएगा, नहीं तो आपका गाड़ी स्पार्क हो के कुछ भी हो सकता है, वायरिंग भी शॉर्ट हो सकता है, आग भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने इसका बैटरी वायर ओपन किया था, अब इसे हम फिट करके टाइट करके और उसके बाद स्टार्ट करके देखेंगे कि हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसका हम चाबी लेके आए अंसारी जी। फ्रेंड तो ये हमारी गाड़ी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, अब हम स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं, सेल्फ लेती है कि नहीं, क्योंकि इसमें सेल्फ का प्रॉब्लम था, इग्निशन ऑन होता था लेकिन सेल्फ नहीं लेता था। न्यूट्रल कीजिए, हाँ स्टार्ट कीजिए। ये देख सकते फ्रेंड हमारी गाड़ी अब सेल्फ ले चुकी है, हमारी गाड़ी भी स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड। तो रेस कीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें मेजर प्रॉब्लम फ्रेंड स्टार्टर का ही था जो हमने रिप्लेस कर दिया है। फिर से बंद कीजिए, चालू कीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड हमारी गाड़ी बंद चालू दोनों हो रही है। तो हमारा ये जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, इसमें ही स्टार्टर का प्रॉब्लम था तो हमने इसका स्टार्टर रिप्लेस कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।